अभी डिस्कवर करते हैं अल्फा स्कैन को। अल्फा स्कैन एक सोशल अल्फा हंटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू ट्विटर पे जो अकाउंट अलग अलग कॉइन के बारे में शेयर कर रहे हैं, अलग अलग चार्ट शेयर कर रहे हैं, अलग अलग जैम शेयर कर रहे हैं, अलग अलग अल्फा शेयर कर रहे हैं, सो उनको आप मैनुअली अगर करने जाते हो सोशल मीडिया पे लिस्ट बना के जाते हो और मैनुअली फिल्टर भी करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बट इन्होंने एक डेटाबेस बना लिया है अच्छे अच्छे अकाउंट का, नया अकाउंट ये ऐड कर रहे हैं। तो जो भी अच्छे अकाउंट है उनका डेटाबेस है, जो अच्छे कॉल देते हैं उनका यहाँ पर डेटाबेस है, उनके ट्वीट को लोग ट्रैक करते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि उन लोगों ने कौन कौन से टोकन को मैंशन किया है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, 7 डे पे, 30 डे पे, 1 डे पे, और जो टोकन को मेंशन किया उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी मालूम पड़ जाता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे दो चीज़ें मालूम पड़ जाती है, कौन सा इन्फ्लुएंसर है, कौन सा जो बंदा है जो अच्छे कॉल दे रहा है, और ये मालूम पड़ जाता है कौन से पोटेंशियल अल्फा है, कौन से टोकन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों डेटा मिल जाता है, और ये भी मालूम पड़ जाता है कि सोशल मीडिया पे कौन से कॉइन के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, कौन से कॉइन के बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, बड़े अकाउंट कौन से कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और ये जनरली सारे बड़े अकाउंट ही होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके जो साइज होती है फॉलोइंग की वो भी अच्छी होती है, और उनका काम ही ये होता है कि रिकमेंडेशन देना, चार्ट शेयर करना, फंडामेंटल शेयर करना, अलग अलग टाइप से कहीं ना कहीं शिलिंग करते हैं कुछ लोग रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ लोग थ्रेड लिखते हैं, बट जो ओवरऑल जो कहीं ना कहीं जहाँ से कॉइन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में मालूम पड़ रहा है, वो सारे जो अकाउंट है ये लोग ट्रैक करते हैं। तो इसमें अल्फा स्कैन की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, आपको यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट करना होता है, मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आपको खाली साइन करना है, आपको यहाँ पे कोई पैसा वैसा डिपॉजिट नहीं करना है, खाली साइन करना है मैसेज, और फिर ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री टू यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हो, सारे फीचर फ्रीली अवेलेबल है। पब्लिक अल्फा स्कैन का बोट भी है, टेलीग्राम बोट भी है, तो इसका टेलीग्राम बोट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर ये सेटिंग लगा सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर बंदा है जिसने मेंशन किया है कोई टोकन और आपको अगर उसको इमीडिएटली बाई करना है तो वो सेटिंग भी उस पर होती है। तो बोट भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और उसको कैसे यूज़ करना है उसका अलग से रिसोर्स मैं आपको शेयर कर लूँगा, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि अगर आपको इनके इस बोट यूज़ करना है अल्फा स्कैन का, इनके जो अल्फा आ रहे हैं उनको बाई करने के लिए, तो वो रिसोर्स चेक करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो इसके होम पेज में आप जाओगे तो सबसे पहले टोकन्स की लिस्ट मिलेगी और की मेंशंस की यहाँ पे डेटा मिलेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेगी, टोकन प्राइस की अलग अलग टाइम फ्रेम पे परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, और यहाँ पे ये भी लिस्ट मिल जाएगी कि टोकन जो है वो यूनिबोट पे अवेलेबल है या नहीं। यूनिबोट एक अगेन लीडिंग टेलीग्राम बोट है, सो टेलीग्राम बोट उसको भी आप यूज़ करके कहीं ना कहीं जो टोकन उसमें सपोर्ट है तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। और अभी कई लोग जो है अल्फा हंटिंग जो करते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते हैं, डिजन टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, वो टेलीग्राम बोट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेलीग्राम के बोट्स के अंदर वॉलेट क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे फंड डिपॉजिट कर लेते हैं और वहाँ से क्या होता है कि जल्दी बाई हो जाता है, लाइक स्नाइपिंग जिसको बोलते हैं कि जैसे ही कॉल मिला वैसे ही बाई कर लिया, तो ऑटोमेटेड सेटिंग होती है, बोट अपने आप बाई कर लेता है, खाली आपकी आपको सेटिंग करनी होती है। तो बोट का यूज़ कई लोग करते हैं, और ये बोट को यूज़ करना काफ़ी ईजी है वैसे, इस पर कोई ज़्यादा वैसा मुश्किल कुछ भी नहीं है। यूनिबोट कैसे यूज़ करते हैं उसका भी अलग से ट्यूटोरियल में डाल दूंगा। यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप शॉर्टिंग करके देख सकते हो कि किस कौन से टोकन का मेंशन ज़्यादा हुआ है, कौन से टोकन की सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात हो रही है। तो 7 डे के हिसाब से आप शॉर्टिंग करोगे हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो BTC का मेंशन 170 है, इथेरियम का 90 है, कास्पा का 83 है। जो बड़े टोकन है उनका मेंशन तो हमेशा ज़्यादा रहता है, बाकी आपको ऐसे टोकन देख रहे जो आप जनरली जानते नहीं उनके बारे में, और लाइक ऐसे टोकन है जो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है, डेक्सिस पे ही है, और इतना आप अवेयर नहीं उनके बारे में। जैसे रियो एक कहीं ना कहीं लो कैप कॉइन है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा मेंशन है, 65 मेंशन रियो के है। यूनिबोट तो खैर अभी पॉपुलर हो गया, अटोर जो है वो भी काफ़ी कम लोगों को पता है, उसके भी 57 के आसपास मेंशन है। किस किस ने मेंशन किया है वो भी यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, किस किस ने मेंशन किया है, कब मेंशन किया है, उनका ट्वीट भी मिल जाता है कि कब उन्होंने उसके बारे में ट्वीट किया था, वो भी मालूम पड़ जाता है। सो सिमिलरली जैसे आपको नाका गेम्स के मेंशन देखने हैं तो नाका गेम्स के मेंशन कौन कौन से हुए हैं, किस किस ने किए हैं, तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। सो जैसे एक ट्वीट यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, तो खाली आपको क्लिक करना है उसके थंबनेल पे तो ट्वीट भी आ जाता है कि क्या मेंशन हुआ है, राइट। सो ये नाका गेम्स का ये मेंशन हुआ है, इसका ट्वीट आपको मालूम पड़ गया उसने उसके बारे में क्या लिखा था। तो एक एक करके ट्वीट भी आप देख सकते हो, आपको आपके पास ज़्यादा टाइम है, कोई कॉइन आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है उसमें आपको ट्रैक करना है तो वो भी आप देख सकते हो, सेंटीमेंट चेक करने के लिए कि लोग किस टाइप से उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या सेंटीमेंट है, राइट। तो वो भी देख सकते हो, बट यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाती है पोटेंशियली कॉइन की जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है 7 डे के हिसाब से। आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है तो 7 डे का सेंटीमेंट ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से, अल्फा हंटिंग में 7 डे इज काइंड ऑफ की मेट्रिक, क्योंकि 30 डे के अंदर तो ये होता है कई कॉइन पंप करके डंप भी कर लेते हैं, लो कैप में ऐसा हो जाता है, इसलिए 7 डे का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो 7 डे के हिसाब से आप देख सकते हो, 1 डे के हिसाब से भी देख सकते हो कि 1 डे के हिसाब से लाइक काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है, इंट्राडे ट्रेड लेनी है, कोई अल्फा हंट करना है इंट्राडे लेवल पे, तो उस पर ये मालूम पड़ जाता है कौन से कॉइन के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। तो यहाँ पे टिप के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, टिप जैसे आज ही आई थिंक उसका एयर ड्रॉप हुआ है तो उसके बारे में बात हो रही है,
इसके अलावा आपको कोई लो कैप में ये वेट भी करके मिल रहा है, तो ये आई थिंक कोई नया कॉइन ही लग रहा है, तो उसके बारे में क्या बात हो रही है वो भी आप देख सकते हो। कौन से कॉइन के बारे में चर्चा हो रही है, कौन से कॉइन के बारे में बड़े अकाउंट है वो बात कर रहे हैं, उसके मेंशन ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आइडिया लग जाता है। बट इसमें जो भी डेटा आपको मिल रहा है, जो भी कॉइन का नाम मिल रहा है, उस पर आपको डीप डाइव करना होता है। खाली नाम से तो हमको ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल अल्फा हो सकता है, बट उस पर डीप डाइव करके कन्फर्म करना पड़ेगा। अल्फा कन्फर्म तभी कर पाओगे जब आप उसकी वेबसाइट चेक करोगे, उसका नैरेटिव चेक करोगे, उसका फंडामेंटल चेक करोगे, टोकनॉमिक्स चेक करोगे, सोशल मीडिया पे और लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी क्रॉस चेक करोगे, तो तब वो कहीं ना कहीं आपको आइडिया उस चीज़ का लग सकता है। तो इसी तरीके से आप 7 डे का देख सकते हो, 30 डेज़ का देख सकते हो, कौन से कॉइन के मेंशन ज़्यादा हुए और उसकी टोकन प्राइस वगैरह किस टाइप से रही वो यहाँ पे पता चल जाती है। और सेकंड जो यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है वो इन्फ्लुएंसर लीडर बोर्ड, यहाँ से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि कौन से अकाउंट को आपको फॉलो करना है, राइट। वहाँ से तो वही मालूम पड़ गया कि कौन से टोकन मेंशन कर रहे हैं, अब जो मेंशन कर रहे हैं उस पे से कौन से लोग को आपको फॉलो करना है वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंसर तो कई सारे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सारे इन्फ्लुएंसर के टोकन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनमें अच्छी रैली नहीं आ रही, राइट। एग्जांपल के लिए जो इन्फ्लुएंसर का लीडर बोर्ड ये दिख रहा है आपको, 7 डे के हिसाब से आप सॉर्टिंग करोगे तो आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जो नेगेटिव चल रहे हैं, राइट। जैसे इजी जेम्स है, उसके 7 डे के अंदर किसी भी बंदे ने उसकी कॉल लिया होगा तो वो 61% के आसपास लॉस में रहेगा, उसने एक ही कॉल दिया था वैसे। और वैसे ही वेस्टी कैपिटल है, उसके भी जो कॉल है वो 42% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। ये द डिफाई ऐप है, उसका जो 7 डे के हिसाब से कॉल है वो 29% नेगेटिव चल रहा है, बट 30 डे के हिसाब से पॉजिटिव चल रहा है। तो आइडिया लग जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। डीजी के जो भी कॉल है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे हैं, 44% के आसपास डाउन चल रहा है। आपको किसको फॉलो करना है वो भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाता है। ये डिफाई प्राइम जो है वो भी काफ़ी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो जैम वगैरह शेयर करता है, बट ये भी अभी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 49% के आसपास नेगेटिव चल रही है, लाइक पिछले मंथ के हिसाब से आप देखते हो। तो आपको वो देखना है कि किसकी पॉजिटिव चल रही है, राइट। तो अगर 30 डेज़ के हिसाब से आप देखने जाते हो तो आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन से वो इन्फ्लुएंसर है जिनका 30 डेज़ के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव चली और 30 डेज़ के हिसाब से उन्होंने कई सारे कॉइन मेंशन किए हैं। ऐसा नहीं हो कि 30 डेज़ के हिसाब से पॉजिटिव है और एक दो कॉइन ही मेंशन किए और वही निकल गए। इस यहाँ पे ये होना चाहिए कि उनके कॉइन भी है, 10-12 कॉइन मेंशन भी किए और वो भी अच्छे निकले हैं, राइट। तो उस हिसाब से देखोगे तो क्रिप्टो ली जो बंदा है 7 डे की परफॉर्मेंस भी डिसेंट रही है, 1 डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, उसने कौन कौन से कॉइन मेंशन किए हैं तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे पेपे है, मॉग है, वाइल्डर वर्ल्ड है, वो मेंशन सारे यहाँ पे आप क्लिक करो, किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे जो भी थंबनेल आपको दिखता है उस पर ट्वीट आपका उसको मिल जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन से कॉइन के बारे में बात की है, क्या बात की है, वो सब आपको पता चल जाता है। कई बार तो शीलिंग ही होती है प्योरली और लाइक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलते नहीं है, बट ये आइडिया लग जाता है किसके टोकन ट्वीट के बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, ट्वीट करने के बाद टोकन की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगी। ये जो वीडियो है ये एक चैप्टर है जो मेरे कोर्स में मैंने इंक्लूड किया है, उस पर अल्फा स्कैन इज़ वन ऑफ द टूल्स जिसको मैंने कवर किया। इसके अलावा 16 और ऑन चेन टूल्स हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में बात की है, डिटेल में समझाया है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको आइडिया नहीं कोर्स का तो कोर्स के लिंक पर जाकर एक बार चेक कर सकते हो, कोर्स सिलेबस सबसे पहले चेक करो ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, राइट। उस पर कौन सी चीज़ें हैं जो लाइक आपको पता नहीं है, और इन केस जब आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे को सीखनी है, फंडामेंटल कैसे एनालाइज करना है मेरे को सीखना है, इन्वेस्टिंग सेक्टर के बारे में सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ऑन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, डिफरेंट टूल्स कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना है, क्रिप्टो नैरेटिव्स के बारे में मेरे को सीखना है, जब आपको ये लग जाता है कि ये सब आपको सीखना है, उसके बाद फिर आप सेकेंड जो आपको देखना है कि ये जो प्राइस है अभी 7500 चल रही है, ये आप अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन दैट केस 80% जो कंटेंट है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर तरीके से बता रहा हूँ, बट सेल्फ लर्निंग आपको करनी है, फ्री कॉन्टेंट देखना है सिमिलर टाइप का, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके 2 प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, एक फंडामेंटल की है, एक ऑन चेन की है। इवन जो वीडियो मैंने आज अल्फा स्कैन के ऊपर बनाया है वो सेम वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, उस पर मैंने कम डिटेल शेयर की थी। यहाँ पे ये है कि जो वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे ऑन चेन एनालिसिस वाले या फिर फंडामेंटल एनालिसिस वाले, उनकी लेंथ छोटी है। ये चीज़ मैंने अगर 10 मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन की है यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे कोर्स में उसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 20-25 मिनट लगाए हैं। सो वो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे है। इसके अलावा स्ट्रक्चर लर्निंग है, सब कुछ स्ट्रक्चर में है, पूरा कोर्स प्रॉपर तरीके से है, कम्युनिटी एक्सेस उसमें मिल जाता है, सो यू कैन ऑल्सो टॉक विथ मी, यू कैन ऑल्सो आस्क योर डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह। इसके अलावा असाइनमेंट वगैरह भी उसके अंदर है, तो काफ़ी कुछ उसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्टिफिकेट भी उसमें मिलता है और EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पे अगेन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइस ज़्यादा है ये सब है, तो अगर इन दैट केस अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपको बाई करना भी नहीं है। आपको पहले जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन चेन वाली, क्रिप्टो नैरेटिव वाली,
और फंडामेंटल वाली वो आपको चेक करनी है, उसके सारे वीडियो देखने हैं, उस पर जो भी वीडियो में बात की गई उसके नोट बनाना है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दो तीन बार देखना है, अल्टीमेटली एक अंडरस्टैंडिंग उससे भी आप बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं इतने सारे अलग अलग वीडियो देखने का और आपको स्ट्रक्चर लर्निंग चाहिए, इन दैट केस, ओनली इन दैट केस आई थिंक hiteshmalviya.com पे आप जा सकते हो और वहाँ पे कोर्स का सिलेबस वापस चेक कर सकते हो। 50% डिस्काउंट चल रहा था, अभी वो ख़त्म हो गया, अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है, उसके हिसाब से यू कैन प्रॉब्ली बाई इट इफ़ यू वॉन्ट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो में जल्दी, थैंक यू।